दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो शुरू हो रही है रात के तकरीबन 10 बजे। और अभी इसी टाइम में उड़ती उड़ती खबर आई है, उड़ती उड़ती की आई है, स्नैप आई है एक छोटी सी। एक बंदा पकड़ा गया हमारा दोस्त, जिसने गाड़ी ड्रॉप की है अपनी, 15 इंच पर उसने ड्रॉप कर दी है इस दफ़ा। लास्ट टाइम उसने 14 इंच पर ड्रॉप की थी। तो आपको भी दिखाते हैं, पता तो चल गया होगा आपको, सुबहान भाई की बात हो रही है। तो अभी बस वो आ रहे हैं, पिक करते हैं हमें, और ये उनसे आपको उनकी गाड़ी की दीदार कराते हैं, और बाकी फिर सुबह का व्लॉग सुबह बनाएंगे। ठीक है, सुबह भी एक खुशखबरी है आपके लिए। सुबह हम एक रिम लेने जा रहे हैं, जो कि होगा 18 इंच का, और वो भी काफ़ी मतलब ना डिसेंट चीज़ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी अभी का सीन ये है कि बस सुबहान भाई का वेट हो रहा है, सुबहान भाई आते हैं तो फिर उनके साथ ज़रा आपको दीदार कराते हैं गाड़ी का। बाकी बात रही आपकी ग्रैंडी की, माशाल्लाह से ये साफ़ सुथरी है, क्लीन करके रखी हुई है हमने, सिर्फ फ्रंट स्प्लिटर का इंतज़ार है। ठीक है, स्ट्रेट वाला लगाऊंगा, दूसरा नहीं मैं लगा रहा। ठीक है, तो हो सकता है इस दफ़ा पूरा स्प्लिटर लगाया जाए, नहीं तो फिर देखेंगे। बाकी ये वाली ग्रिल जो सी है ना, इसका मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि इस पर स्क्रैचेज़ और थोड़े वाटर मार्क आ गए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डल लगती है। इसका इरादा मेरा कि ब्लैक में रैप करवा दिया जाए। बाकी गाड़ी हमारी ऑल ओके है। ठीक है, साइड इंडिकेटर्स जो उनसे हैं वो मैंने कह दिए हमें भाई को, जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएंगे। बैटमैन का जो साइड मिरर कवर है वो भी इंशाल्लाह लग जाएगा। और रिम आप लोग सजेस्ट करें कि कौन से डलवाएँ इसको। ठीक है, 17 इंच में डलवाएँगे हम। ठीक है, क्योंकि 18 इंच वाला हम सीन नहीं करना चाहते, 17 में डेली भी रहेगी और मतलब अच्छी लुक निकलती रहेगी। 17 में फिर ये होता है फ़ायदा कि बंदा एक दफ़ा टायर ले ले तो बाद में यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, 18 का टायर भी बड़ा मुश्किल मिलता है और डेली चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान की सड़कें हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से तो बड़ा मुश्किल होता है उसको चलाना। और बाकी आपको पता, ताहा साहब तो फिर रिच पर्सन है ना, वो तो कर लेते हैं ये सब कुछ फोन। तो माशाल्लाह से वो दोबारा 18 इंच पे ड्रॉप करने वाले हैं गाड़ी, आपको पहले ही बता दी है मैंने। सुबह उसका व्लॉग आएगा, आप लोगों ने लाजमी उसको भी देखना है, और आपको बताएंगे सुबह रिम के कौन सा रिम है। और जो पहले वाला रिम था वो हमने दे दिया, जिसको देना है वो भी आपको बताएंगे सुबह ही। तो बाकी अभी सुबह भाई आ रहे हैं, तो बस 2 मिनट तक हम उधर चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों, ये बशिंदा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। आपने गाड़ी की तो लुक बदली बदली, अपनी भी लुक बदल ली है। मैंने जरा शेक सर चलें। मान साहब गाड़ी लेके नहीं आए यार, वो ये वजह है कि इधर ना जंप एक बहुत बड़ा है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि गाड़ी तो तक सलामत ही रहे, सलामत रहे। ठीक है, और अभी का सीन ये है कि अभी आपको जा गाड़ी दिखाते हैं। मान भाई, मैंने आपकी वजह से आज व्लॉग स्टार्ट किया। क्या हुआ? मैंने कहा भाई आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत है नहीं मैं कर लूँ तो कर लूँ, तुमने कर ली नहीं होती। दोस्तों भी चलते हैं इस बात पर की तरफ, आपको पहले स्पीड ब्रेकर दिखा दें। ये अब्दुल्ला भाई की गाड़ी, ये स्पीड ब्रेकर है जी, बहुत बड़ा था। एक आगे वाला भी दिखा, एक आगे भी है, एक ना आगे जाके आता है। दोस्तों एक ये छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, लेकिन आपको पता है ये भी जितनी है। गाड़ी ड्रॉप हुई हुई है ना, उस लिहाज से जो होता है ना, ये स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े हैं। जो बात भाई याद है, जब 14 पे ड्रॉप की थी हमने, जब चैम्बर पड़ता तो फिर याद है जब 14 पे ड्रॉप की थी हमने। मुझे पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हवा काफ़ी है, प्रेशर काफ़ी है ना बाइक के ऊपर, तो आवाज़ अक्सर नहीं आ रही। आप लोग ना जो आपने भाई, मैंने नोट कर लिया ना, असल में अब इंशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह हमें फोन दे। वो जिस तरह का हमारे पास होता था ना, 3 कैमरों वाला, बस वही मेरे पिछले साल वाली वीडियो आपके फोन आपके मेरे फोन से बनी थी। इंशाल्लाह 3 कैमरों वाला फोन आ जाएगा दोबारा। आईफोन ना भी देना आपके याद हो, आईफोन वाले गुजारा कर जाता नहीं। अल्लाह सबको दे भाई, अल्लाह सबको दे। गली के हालात चेक, अभी गली के हालात चेक करें। ये देखें, ये जो पीछे गटर गुजरा है ना, ठीक है, ये देखें, जब इस तरह की गलियां हो ना, फिर गाड़ियां निकालना मुश्किल काम। दिस इज पाकिस्तान भाई, दिस इज पाकिस्तान। ऐसे गटर से टक्कर नहीं, एडे एडे उच्ची उच्ची होते हैं, 1.5 फुट गली तो। वो सामने गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, जमीन के साथ लेटियां 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 हो रही हैं। फिटमेंट माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह लाजमी बोलना है, वरना आपको पता पिछली दफ़ा मेरा एक नो गो एरिया हो गया था हमारे साथ। सुभान भाई फेंडर थल्ले, फेंडर थल्ले लिप फॉर यू। अभी ये और बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती? सही, बस अगर कुछ रह गया है तो मेरा ख्याल है फ्रंट बम्पर की कमी है और बैक बम्पर की। बैक बम्पर आपका किधर गया है? बैक बम्पर यार मैंने इस दफ़ा सोचा है कि हर दफ़ा वही लगा लेते हैं, और ये फ्रंट मैंने इसलिए नहीं करवाया, हर जंप पे लगती है। ये देखें जी, वो हाजी साहब वाली बात, ये बहुत जेन्युइन किस्म के बम्पर लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे खड़पेचे, ठीक है। तो फिर जारी सी बात है, जब इतनी ड्रॉप होगी फिर बम्परों के तो यही हाल होंगे ना, हर जगह लगती है। तो मैंने कहा यार ये, लेकिन माशाल्लाह हैवी लुक हो गई है। सुभान भाई अब क्या क्या रह गया इसका काम बाकी? यार गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, इसकी आईज पड़ी नहीं है आगे वाली, मेरे पास फ्रंट वाली आईज, फ्रंट वाली विंडस्क्रीन पे जो कार्ड नहीं आती वो पड़ी नहीं। तो आपने इस दफा भी रेड स्पेक्ट्रम करना है दोस्तों। अब ये माशाल्लाह से कंप्लीट है गाड़ी, सिर्फ अगर थोड़ा बहुत रह गया तो मेरा ख्याल है छत वगैरह रैप वगैरह होने वाली है, वो हम करीब जा के करवा लेंगे, और बाकी थोड़ा बहुत जो है ना शीशे शूशे काले होने, आपको पता है शीशे काले तो फिर बनते हैं ना मस्त है, उसके अलावा तो फिर लुक ही नहीं बनती। तो माशाल्लाह से ये भी कुछ नज़र आ रहा है मुझे नीचे, नीचे लगा हुआ है वो सुपरा वाला एग्जॉस्ट नहीं लगाया हुआ? नहीं नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या है ये, लेकिन आप चेक करें इसकी फ्लैश ऑन करते हैं ज़रा, ये चेक करें, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि इस वाले रिम को थोड़ा सा कैम्बर कर दिया जाए, नहीं तो फिर आपको पता थोड़ा बहुत जो है ना इशू हो गया आगे वाला, आगे वाला कैम्बर तो है, ये चेक करें ना आप, आगे वाला तो कैम्बर में है, पिछले वाला थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बाकी पिछले वाले का निज़ाम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन माशाल्लाह फिटमेंट ओके है। मान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक सर आपकी दोनों से ही हो। ठीक है, हमने बाय बाय कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घरों घर जा रहे हैं, ठीक है, घरों घर ही होने लगे हैं। और अभी घर वाला कभी मुझे एक छोटा सा मैसेज आएगा उधर, अंडे से ब्रेड आ लें, अंडे से ब्रेड तो बगैर घर ना ही, फ्रेश फ्रेश शॉपिंग फॉर यू, दो दर्जन अंडे फॉर यू, हूँ ब्रेड दे ब्रेड लेनी जानी है। भाई 100 रुपये की ये, उधर कितने की मिल रही थी? 220 की। और आप मेरे से अंडे पकड़ लें, मैं शायद का शेक बनाऊंगा। आप शेक बनाने में मशहूर है। तो दोस्तों अंडे ब्रेड ले लिए, अब अपनी राहों की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, घर चलते हैं, घर जा के आराम शराम करते हैं, ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। ब्लॉग सिर्फ ये अपडेट ब्लॉग था, कुछ नहीं खाया, क्या खाना भाई खा लो आप, नहीं कहा जाके खाएंगे। अच्छा सुबह से इसके भाई ने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन अब ये है कि सुबह का सीन ये है कि सुबह एक जगह जाना है, आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और मान भाई आप फ्री हैं कल? नहीं कल नहीं यार, कल एक दोस्त है उसकी गाड़ी का काम करवाना है, एक दोस्त का काम कराना है उसका, चैम्बर की सील लेगा वो करवानी है, और छोटे मोटे काम, तो छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। अब सुबह एक दोस्त के साथ हमने भी जाना है और रिम लेके आने हैं, तो इंशाल्लाह आपको कल आपको डबल ब्लॉग देखने को मिलेगा, कल मैं भी ब्लॉग में आके साथ ही को भेज दूंगा, साथ ही आपने इसमें तो अभी हम लोग चलते हैं घर, ये ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, अभी अंदर टूटने लगे थे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, सुबह सुबह सिनेमैटिक सिखाते हैं आप, कमेंट डाउन बिलो, अल्लाह हाफिज़।